की हाइट, और ये जो है टेन का थोड़ा सा ऊपर का लेवल टच करिएगा अपने हाथ से। क्या आप लोग टच कर पाएंगे? नहीं, आप लोग टच कर पाएंगे? कोई नहीं टच कर पाएगा। और ये हाइट जो है ये बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट है। और दृश्य देखिए कि हम बास्केटबॉल प्लेयर के पास अभी है, और नीचे से देख लीजिए कुछ नहीं रखा हुआ है, सीट के नीचे भी कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, और इनकी हाइट देखिए कितनी बड़ी है। और कपड़े नहीं मिलते हैं, हर जगह दरवाजा फिरता है, हर चीज में प्रॉब्लम है। ये हाइट इतनी बड़ी कैसी हो गई आपकी? प्रॉब्लम को फेस कैसे करती हैं? उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करती हैं? ये सिलवाया हुआ या खरीदा हुआ रेडीमेड? इंडिया टॉलेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ही नहीं, इंडिया टॉलेस्ट वुमेन भी होंगी ये। जहाँ ये हाइट साथ है इनकी, स्पेशल अलग बनवाया गया है। खाना कितना खाती है ये सवाल है इम्पोर्टेंट। हाइट बढ़ाना है तो ये राज समझ लीजिए इनसे कि हाइट आखिर इनकी कैसी बढ़ी है। अब ये बता रही है कि भाई हाइट इसलिए बड़ी है कि... हेलो गाइज, नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसा एक भारत, और अभी हम ट्रेन की जर्नी कर रहे थे, और इसी बीच हमारे साथ पूनम चतुर्वेदी जी मिल गई। आप देखे होंगे कई सारे जेंट्स को और लड़कों को कि जो हाइट में लंबे होते हैं, और 6 फुट 6.5 फुट खली को भी देखा होगा आपने। लेकिन आज हम मिलवा रहे हैं ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी से जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी है, और इनका हाइट कैसे इतना बढ़ गया ये भी चले हम बात करते हैं। हाइट इतना लंबा कैसे हो गया? भगवान जी दे दे, सबका होता है, मेरा भी हाइट। थोड़ा सा खड़े होकर दिखाएंगे कितना लंबी है आप, लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये है इनकी हाइट, और ये जो है टेन का थोड़ा सा ऊपर का लेवल टच करिएगा अपने हाथ से। क्या आप लोग टच कर पाएंगे? नहीं, आप लोग टच कर पाएंगे? कोई नहीं टच कर पाएगा। और ये हाइट जो है ये बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट है। और दृश्य देखिए कि हम बास्केटबॉल प्लेयर के पास अभी है, और नीचे से देख लीजिए कुछ नहीं रखा हुआ है, सीट के नीचे भी कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, और इनकी हाइट देखिए कितनी बड़ी है, और इंटरनेशनल खेलती है बास्केटबॉल। मैडम बैठिएगा, लंबे लंबे बात करते हैं, एक बार लंबे लंबे बात करते हैं। अच्छा ये मैडम बताइए कि इतनी लंबी हाइट का क्या क्या परेशानी होती है? आपको कपड़े नहीं मिलते हैं, हर जगह दरवाजा फिरता है, हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है। ये हाइट इतनी बड़ी कैसी हो गई आपकी? नॉर्मल मेरे परिवार में भी तो मैं तो मतलब जेनेटिक है क्या? आप रहने वाली कहाँ की है मैम? कानपुर यूपी। यूपी वाली है भैया, यूपी वाली है ये। और यूपी वाली को देखिए कितनी लंबी हाइट है यूपी वाली की। तो बिहार यूपी वाले आप देख लीजिए कि इनकी हाइट कितनी लंबी। अच्छा प्रॉब्लम को फेस कैसे करती हैं? उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करती हैं? जूता कितना साइज अटता है आपका? 13 नंबर। और ये कपड़ा जो है ये सिलवाया हुआ है या खरीदा हुआ है रेडीमेड? शिव नरेश वाले स्पेशल आपके लिए सिलते होंगे, क्योंकि आप अभी तक तो मेरे को नहीं लगा कि इतनी लंबी हाइट वाली लड़की से मैंने मिला हो। अच्छा आप भी नहीं मिली है? इंडिया टॉलेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ही नहीं, इंडिया टॉलेस्ट वुमेन भी होंगी जहाँ तक मेरे को देख के लग रहा है। लड़कियों में सबसे लंबी है बास्केटबॉल में। अच्छा मैडम ये बताइए कि जो ये शुरू से आपने सोचा था बास्केटबॉल खेलना, या हाइट बढ़ गई उसके बाद आपने खेलना चालू किया? हाइट की वजह से ही आपने खेलना चालू किया? उसके उसके पहले मूड नहीं था आपको खेलने वाले का? और अभी कितनी है? 7 है। ये हाइट 7 है इनकी। एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे कि उन लोगों को क्या सजेशन दीजिएगा जिनकी हाइट ज्यादा है, वो कैसे परेशानी को कम करते हैं? उन्हें क्या क्या दिक्कत होती है? बेड कैसा है आपका? बेड किंग साइड बेड है, 7 फीट का ही बनवाया है, स्पेशल अलग बनवाया गया है बेड। और कहाँ कहाँ खेली है आप? कहाँ कहाँ खेलने के लिए गई है अभी तक? सबको है, पूरे इंडिया में तो हर जगह गए, चाइना, मलेशिया, बैंकॉक, ताइवान, सब गए। सब जगह आप गए हैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कब से खेल रही है मैडम? 2011 से। 2011 से लाइट अच्छा रहा है ना? 2009 में स्टार्ट किया था, 2011 से इंडिया, मतलब 2011 से इंडिया आप खेल रही हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई हो मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसा एक भारत की टीम की। खाना कितना खाती है ये सवाल है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। फिर भी कितना क्वांटिटी कितना रहती है? एक बार मतलब चावल दाल सब खाती है, सब कुछ मन के ऊपर है, मन के ऊपर है। दूध कितना पी जाती है? फिर भी बचपन से दूध ही पीने आई, बचपन से, मतलब ये भी एक राज है हाइट बढ़ाने का। क्या दूध पीना मतलब हाइट बढ़ाना है तो ये राज समझ लीजिए इनसे कि हाइट आखिर इनकी कैसी बढ़ी है। अब ये बता रही है कि भाई हाइट इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये दूध ज्यादा पीती है। दूध कितना है? एक मतलब 1 लीटर पी जाती है एक दिन में? मिलता तो पी जाता,
और रोटी कितना खा जाते हैं आप? मेरा डाइट बहुत कम है, मैं चार पाँच रोटी, ज्यादा डाइट नहीं लेते हैं, मतलब लंच में भी चार पांच रोटी, थोड़ा सा खाने में मेरा पेट भर जाता है। इतनी बड़ी हाइट और थोड़ा सा खा के, ये तो अजूबा हो गया। फिर इससे ऊपर हो जाती तो मैडम कैसे ट्रेन में आती? फिर मजबूरी है यार। अभी भाई बहन सब आपका एक ही हाइट है या क्या है? भाई का है 6'4" है। और कितने भाई बहन है आप? दो भाई, और दोनों भाई का हाइट लंबा है। पापा जी का? पापा छोटे है, मतलब 5'10" के आसपास है। तो भैया ये एक सरप्राइजिंग थी जो हमें देखने को मिला। पहले तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि पूछूं कि इंटरव्यू लूं कि ना लूं, लेकिन ये तैयार हो गई। इसके लिए थैंक यू सो मच है आपका। आप जरूर देखिएगा आशा एक भारत फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे जाके खोल के देखिए और आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा। जल्द से जल्द हम लगाने वाले हैं। कुछ इसलिए भी है क्योंकि भाई कई सारे लोगों का हाइट इतना लंबा नहीं होता है, जेंट्स लोग तरस जाते हैं। देख लीजिए पीछे उधर दिखाइए कि कितने छोटे छोटे हाइट है इनके सामने, और इनका माथा देखिए कि भैया ऊपर टच भी नहीं हो रहा है। हाथ उठाते हैं, हाथ भी टच नहीं, मेरा तो हाथ भी टच नहीं होगा। ये देखिए भैया मेरा तो हाथ भी टच नहीं होगा, और इनका देख लीजिए मेरा हाथ और इनका सर। ये देखिए मेरा हाथ और इनका सर, क्या स्थिति है। तो ये समझ सकती है कि कितनी लंबी होंगी ये। और नीचे भी दिखाइए आशीष जी, ये नीचे का क्या स्थिति है, और ऊपर दिखाइए इनका माथा और मेरा हाथ जो है इनके माथे तक नहीं पहुंचेगा। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, और आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। हम आपको मिलवा रहे थे आज ये जो टॉलेस्ट गर्ल है ना, आप जेंट्स को बहुत देखे होंगे जो लंबे होते हैं, खूब लंबे होते हैं, लेकिन महिला पहली बार हमने देखा भाई। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। पसंद आए तो खूब सारा शेयर कीजिए। एक अजूबा हम आपको लेके आए थे आपके लिए।